बिगड़ती कानून व्यवस्था व पुलिस उत्पीड़न के विरोध में कल कांग्रेसी कमिश्नर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी पूर्व सांसद दानिश अली ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालयों पर कांग्रेस 18 सितंबर को ये प्रदर्शन करने जा रही है। मुरादाबाद मंडल मुख्यालय पर यह प्रदर्शन इसी क्रम में आयोजित होगा। इसमें मंडल के सभी जनपदों की भागीदारी होगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर असफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करते रहे, पर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं में अकेले यूपी की ही 25% हिस्सेदारी है। दानिश अली ने आगे बताया कि वही पुलिस भी जाति व धर्म के आधार पर ही कार्यवाही करती है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर का इसका ताजा उदाहरण बताया। वार्ता में जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, पूर्व जिला अध्यक्ष तेजराज शर्मा, विनोद गुम्बर, फूल कुंवर, उपाध्यक्ष व प्रवक्त सुधीर पाठक, अनूप दुबे, विवेक गुप्ता, अफजल सावरी, मोहम्मद अब्बास, विजय राज सैनी, राजेंद्र वाल्मीकि, भयंकर सिंह बोध, अनुराग शर्मा, शिवराज गुजर, अनिल गुजर, दानिश सैफी, मोहम्मद असलम, सलाउद्दीन समेत कई नेता भी मौजूद रहे। और जो कल कार्यक्रम होने वाला है, क्या तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर के कल मंडलीय मुख्यालय पर होगा कांग्रेस का? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कल 18 सितंबर को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। ये जो जुल्म और ज्यादती पुलिस प्रशासन द्वारा विपक्षी लोगों पर की जा रही है, प्रदेश की जनता के ऊपर की जा रही है, उसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर प्रदेश मुख्यालय पर कल 18 तारीख को विरोध प्रदर्शन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन के बाद भी प्रदेश सरकार के किसी मंत्री का बयान मैंने सुना है कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, ना संविधान में विश्वास है, ना न्यायपालिका में विश्वास है। तो ये न्यायालय के आदेश को भी पालन नहीं करते। वैसे कई बार इन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इतिहास है भाजपा का। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस हर प्रदेश मुख्यालय पर 18 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेगी। सर, ये जो इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, क्या उसके विरोध में है या और भी मुद्दे हैं? देखिए, इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का मामला हो, जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं से दुष्कर्म की, बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, अयोध्या के अंदर हुआ, हर मतलब जो जो किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो नौजवानों पर जुल्म हो रहा है, तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों का हर प्रदेश मुख्यालय पर 18 तारीख को विरोध प्रदर्शन है। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, क्या हमारी तरफ से उनको बधाई जन्मदिन की, उनकी आयु ज्यादा से ज्यादा हो, देश के लिए अच्छा काम करें, ये हमारी उनको शुभकामना है। योगी जी का एक बयान आया है, उन्होंने उनका जो बोलने का जो तरीका, उन्होंने कहा है कि अब केवल मुरली नहीं सुदर्शन भी चलेगा। अटैकिंग मूड है उनका, नगर सुदर्शन भी चलेगा, क्या किस तरह देखिएगा? देखिए, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश में अनेक संत महात्मा ने जन्म लिया है, अपने अपने तरीके से लोग
ने काम किया है। अब योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर संविधान की शपथ लेने के बाद रोज संविधान का उल्लंघन करते हैं, जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, रात दिन लोगों को बांटने का काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी कुर्सी जो है वो डगमगा रही है। जनता ने तो इलाज कर दिया, लेकिन अब दिल्ली वाले भी उनका इलाज बांधने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। हिमाचल में एक आंदोलन चल रहा है कि वहां से उपाय आ रहे हैं, बेटियों को निकालने का आंदोलन चल रहा है, पर कभी सोलन में हो जाता है, कभी मंडी में हो जाता है, लोग सड़क पर निकले हुए, आपका अपना क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है इसके अलावा। अब वो देश के एक बड़े वर्ग को 14% लोगों को घुसपैठिया कह दें तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी उनको घुसपैठिया बता दें, इनका आरएसएस का बीजेपी का अपना तो कोई इतिहास है नहीं इस देश के आजादी के आंदोलन में। सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। 100 साल इनके पूरे हो रहे हैं 1925 से, 48 में देश का पहला आतंकवादी इन्होंने देने का काम किया, जिसने बापू की हत्या की। आप दूसरों को घुसपैठिए बताओ, वाह।